प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजियाबाद में इस वक्त अपना रोड शो कर रहे हैं। हम वहीं की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, समर्थकों का हुजूम गाजियाबाद से, वहीं की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए कैमरा जैसे घूमा, समर्थक वहां हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हुए, पीएम खुद अब रोड शो की अपनी शुरुआत करने वाले हैं। गाजियाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होने वाला है। बगल में आपको सीएम योगी भी दिख रहे हैं, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपको सीधा ग्राउंड जीरो पर ही लिए चलते हैं। अंकित मेरे सहयोगी वहीं से बने हुए, अंकित बिल्कुल देखे इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गाजियाबाद की सड़कों पर रोड, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर प्रधानमंत्री का काफिला जहां जहां से गुजर रहा है, उनके कार्यकर्ता हैं, से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी पिछले दो तीन घंटों से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। रोड का एक हिस्सा है जहाँ पर प्रधानमंत्री का ये काफिला आपको रोड के बीचों बीच में चलता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ जो है अगर हम बात करें तो वहाँ पर इस वक्त जो है जो जनता है जो कार्यकर्ता है वो नजर आ रहे हैं। इस वक्त देखिए प्रधानमंत्री किस तरीके से हाथ हिला करके लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री का ये दौरा इस वजह से महत्वपूर्ण है, ये पिछले तीन लोकसभा चुनाव में 2009 वो यहाँ पे चुनाव लड़े थे, जीते थे, उसके बाद में 2014 और 19 की बात की जाए तो जनता अतुल गर्ग को, अतुल गर्ग जो कि वैसे तो यहाँ पर स्थानीय तौर पर एक जाना पहचाना चेहरा है, लेकिन जिस तरीके से उनको जिम्मेदारी दी गई है, सवाल ये जो अपने आप में कई उठे थे, लेकिन बीजेपी ने उन सारे समीकरणों को ध्यान में रखा है। और देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री का ये रोड शो की यही खासियत होती है, जहां से वो निकलते हैं दोनों तरफ रोड के दोनों तरफ जो है हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में आज एक कमल के तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गाजियाबाद से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रोड शो में हिस्सा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जबरदस्त भीड़ उमड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है जगह जगह। पीएम मोदी का जो काफिला है वो आगे बढ़ चला है, और ये कालका चौक से होते हुए फिर सीधे आगे बढ़ेगा चौधरी मोड़ तक के लिए। ये पूरा काफिला पीएम मोदी का, सामने वो तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर पीएम मोदी अपने काफिले के साथ हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ते हुए, सड़क के दोनों ओर बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं, समर्थक मौजूद हैं जो सुबह से इंतजार कर रहे हैं कि पीएम मोदी यहां से गुजरेंगे तो उनका दीदार वो कर पाएंगे, उनका अभिवादन करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। सड़क के दोनों ही तरफ, बाएं और दाएं दोनों ही तरफ बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो इंतजार लगातार कर रहे हैं पीएम मोदी के आने का। अब वो इंतजार खत्म हो गया है, कुछ ही देर के बाद ये कालका गढ़ी जो चौक है वहां पर पीएम मोदी का ये काफिला पहुंचेगा। उससे पहले आप जो तस्वीर सामने देख रहे हैं वो मालवाड़ी चौक की तस्वीर है जहां से रोड शो शुरू हुआ है पीएम मोदी का। थोड़ी ही देर के बाद यहां पर देखिए जो लोग मौजूद हैं वो अपने फोन से इस क्षण को कैद कर लेना चाहते हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि पीएम मोदी यहाँ से निकले, उनका काफिला यहाँ से निकले तो फोन में उनकी तस्वीर को वो कैप्चर कर पाए। ये पूरा काफिला आगे आगे बढ़ता हुआ और पीएम मोदी पीछे हाथ हिलाते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक, पीएम मोदी के प्रशंसक, और साथ ही दूसरी ओर सड़क के तमाम अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं, और साथ ही मोदी मोदी के नारे लगते हुए अब जहां जहां से तकरीबन 1.5 किलोमीटर का ये पूरा रोड शो होगा पीएम मोदी का, 1400 मीटर का, और हर एक हिस्से में कार्यकर्ता लोग, हालांकि सिक्योरिटी बहुत टाइट है, सुरक्षा बहुत कड़ी की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, गाजियाबाद के अलग अलग हिस्सों से यहां पर पहुंचे हुए हैं, सुबह से इंतजार कर रहे हैं कि पीएम मोदी पहुंचे और उसके बाद वो उनको देख पाए। सबसे पहले आप देखिए ये तस्वीर, सहारनपुर गए पीएम मोदी, वहां से राजस्थान तूफानी प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त गाजियाबाद पहुंच चुके हैं पीएम मोदी और रोड शो उनका शुरू हो चुका है।
बच्चे बूढ़े सब यहाँ पर मौजूद हैं और सभी देखना चाहते हैं कि पीएम मोदी यहाँ से जब निकलेंगे तो हाथ हिलाकर उनका अभिवादन वो करेंगे। 34 पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता समर्थक प्रशंसक पीएम मोदी का स्वागत करेंगे, वहां पर फूलों की बारिश होगी और इस वक्त महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में यहां पर पहुंची हुई हैं। आधी आबादी का जिक्र पीएम मोदी लगातार कर रहे हैं, आधी आबादी पलक पावड़े बिछाकर अपने प्रधानमंत्री का इंतजार करती हुई यहाँ पर। लोगों का कहना यह है कि पहली बार ऐसा मौका होगा जब पीएम मोदी को सामने से वो देख पाएंगे। अभी तक टेलीविजन स्क्रीन पर पीएम मोदी को वो देखते थे लेकिन पहली मरतबा उनके सामने ये मौका है जब गाजियाबाद में पीएम मोदी रोड शो कर रहे हैं और उनको वो देखेंगे, उनको निहार पाएंगे। ये पीएम मोदी का काफिला सामने और धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ता हुआ, ये कालका गढ़ी चौक है, यहीं से ये काफिला आगे बढ़ेगा चौधरी मोड़ तक और वहीं पर इस रोड शो का समापन हो जाएगा। मालवाड़ी चौक से शुरू हुआ पीएम मोदी का रोड शो तकरीबन 1.5 किलोमीटर का है। महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, कहाँ कहाँ से आई है आप, कहाँ से आई है? गाजियाबाद। पीएम मोदी यहाँ से गुजरेंगे अभी? जी बहुत खुशी हो रही है हमें पीएम मोदी को देखने की, उत्सुकता है बहुत मन में। 2 बजे से हम खड़े हैं यहाँ। 2 बजे से? जी हाँ, 2 बजे से खड़े हुए हैं। क्या कहेंगे पीएम मोदी को जब यहाँ से निकलेंगे अभी? श्री राम, श्री राम, अब की बार 400 बार जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भगवान लहराएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और देखिए प्रधानमंत्री का ये काफिला है, ये लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री के साथ में ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आपको नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उनके हाथ में कमल फूल का निशान है। कमल फूल इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह तो है ही, लेकिन इन चुनावों से पहले प्रधानमंत्री समेत तमाम जो बीजेपी के जो आला नेता हैं उन्होंने साफ कहा है कि इस चुनावों में हमारा सबसे बड़ा चेहरा ही कमल फूल होगा। यानी कि जो सवाल एक उठ रहा था ना कि बीजेपी ने कई जगहों पर अपने उम्मीदवार बदले हैं, नए लोगों को मौका दिया है, तो क्या एंटी कमेंसी हो सकती है जो पुराने लोगों के खिलाफ, तो बीजेपी की तरफ से लगातार कहा गया, खुद प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि हमारा जो है जो चेहरा है वो कमल फूल का निशान है। और इससे बड़ा जो क्या संदेश होगा खुद प्रधानमंत्री की तरफ से, जहां प्रधानमंत्री खुद इस रोड शो के दौरान लगातार अपने हाथ में कमल देखने के लिए आए, उनका अभिवादन करने के लिए आए। तो यहाँ पर यहाँ की बात की जाए तो अतुल गर्ग को उम्मीदवार बनाया गया है। अतुल गर्ग जो कि जो है गाजियाबाद के लिए कोई नया चेहरा नहीं है, लेकिन ये वो सीट है जहाँ पर 2009 में राजनाथ सिंह चुनाव जीते थे, 2014 और 19 में यहाँ पर जो है जनरल वीके सिंह चुनाव जीते थे। राजनाथ सिंह यहाँ से जो चुनाव जीते थे, केंद्र सरकार में मंत्री बने, वीके सिंह चुनाव जीते, केंद्र सरकार में मंत्री बने और अब जो है अतुल गर्ग को यहाँ से जो है उतारा गया है, तो उसको लेकर के सवाल जरूर उठे थे। लेकिन बीजेपी आला नेतृत्व को पता है जिस बात का वो लगातार जिक्र कर रहे हैं, जो अभी हमको यहाँ देखने को भी मिल रहा है कि कमल चेहरा है, चेहरा चुनाव मैदान में भले ही कोई दिख रहा हो आपको, लेकिन जो वोट देना है वो कमल फूल को देना है, कमल के निशान को देना है। और इसी बात को इंगित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रोड शो में, यहाँ पर जो है एक चीज और महत्वपूर्ण है जो हमने अपने दर्शकों को दिखाने की भी कोशिश की है कि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री का रोड शो निकल रहा है उस दौरान यहाँ राम मंदिर का एक मॉडल भी स्थापित किया गया है। तो जो तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो उस मंदिर के अभी दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो साफ तौर पर बीजेपी ने जो अपने मुद्दे हैं वो एक एक करके यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है, फिर चाहे वो राम मंदिर हो, फिर चाहे वो जो कमल फूल का निशान हो। महिलाओं के आधी आबादी की बात की जा रही है तो बड़ी संख्या में, जो अभी दीपा भी आपको तस्वीरें दिखा रही थी, तो बहुत बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई है। बीजेपी की कार्यकर्ता तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी जो एक कहा ये जा रहा है कि बीजेपी की जो 2014 की जीत हो या 19 की जीत हो, महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो इन चुनावों में भी बीजेपी को बखूबी पता है कि आज नारे यहाँ पर लगते हुए सड़क के दोनों ही तरफ, ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 1.5 से 2 लाख की भीड़ यहाँ पर होगी इस 1.5 किलोमीटर के दायरे में, जो पीएम मोदी के स्वागत के लिए, उनके अभिवादन के लिए यहाँ पर खड़ी है। हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम मोदी, बच्चों में भी उत्सुकता है, अपने बच्चों को साथ लेकर के जो माताएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं। देखिए ये गाजियाबाद गढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का और अतुल गर्ग पर इस बार जिम्मेदारी है कि वो जीत के इस रथ को निरंतर आगे बढ़ाते रहे
और उन्हीं के लिए प्रचार करते हुए पीएम मोदी की ये सीधी तस्वीर रोड शो के माध्यम से आप देख रहे हैं। उनका रोड शो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ और सड़क के दोनों ही ओर जो लोग मौजूद है वो लगातार नारे लगा रहे हैं, खुशी उनके चेहरे से साफ तौर से आप देख सकते हैं। भारत माता की जय के नारे और साथ ही वंदे मातरम के नारे, मोदी मोदी के नारे यहां पर लगते हुए